हेलो फ्रेंड्स, सॉरी, प्रोजेक्ट डॉल्फिन एंड प्रोजेक्ट लाइन, ठीक है। 15 अगस्त 2020 के स्वतंत्रता दिवस के उपरांत जो है प्राइम मिनिस्टर ने दो प्रोजेक्ट लॉन्च किए, प्रोजेक्ट डॉल्फिन और प्रोजेक्ट लाइन, ठीक है। हॉलिस्टिक मैनर उन्होंने कहा कि इन स्पीसीज के नेचुरल हैबिटेट को, उसके नेचुरल रहने वाले जगह को हमको हॉलिस्टिक मैनर में बचाना चाहिए। हम प्रोजेक्ट डॉल्फिन पे क्यों इतना फोकस कर रहे हैं, इन चीज़ों को यहाँ पे आप देखिए, ठीक है। ये थोड़ा सा पढ़ने वाली चीज़ है कि ये जो प्रोजेक्ट है वो अगले 10 साल के लिए होगा, बोथ रिवर एंड सी डॉल्फिन के प्रिजर्व के लिए, यानी कि रिवर के लिए होगा, दोनों के लिए होगा। और ये होगा कि इनके बायोडाइवर्सिटी और इनके जो है जो प्रिजर्व किया जा रहा है, इससे जो है एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगा और एक टूरिज्म भी विकसित होगा यदि हम डॉल्फिनों को बचाएं। अ किलिंग ऑफ डॉल्फिन, डॉल्फिन क्यों मर रही हैं, डॉल्फिन के मरने का कारण है कि जो डैम बन रहे हैं, ठीक है, इन डैमों के बनने से जो है ढेर सारी जो डॉल्फिन मर रही हैं। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूं कि ये डॉल्फिन जो है केवल इंडिया में नहीं पाई जाती हैं, ये जो गंगा रिवर डॉल्फिन है, जो स्पीसीज एक फ्रेश वाटर डॉल्फिन कही जाती है। और मैं आपको पूरी अच्छे से समझाता हूँ, पहले डॉल्फिन के बारे में पढ़ लीजिए जो, और ये फ्रेश वाटर की इंडिकेटर होती है। अगर जैसे वाटर अगर ख़राब होने लगा तो ये डिसअपियर हो जाएगी, तो हमारे के लिए एक इंडिकेटर के रूप में है ये। और प्राइमरीली फाउंड इन गंगा की नदियों में, ब्रह्मपुत्र की नदियों में और उनके ट्रिब्यूटरी में, और बांग्लादेश और नेपाल में पाई जाती है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आए कि गंगा जो डॉल्फिन है केवल इंडिया में पाई जाती है, तो ये गलत है, ठीक है। और इंडिया में कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, ये आसाम, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन नदियों में ये पाई जाती हैं। और ऑफिशियली 1801 जो है गंगा डॉल्फिन को अभी तक डिस्कवर किया गया है। तो ये प्रोजेक्ट इन्होंने, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने 15 अगस्त 2020 के जो है उस अवसर पे नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, जिसमें हेल्थ आईडी और दूसरा इन्होंने प्रोजेक्ट डॉल्फिन को कहा था कि इसको हम प्रिजर्व करेंगे। और प्रोजेक्ट का जो एम है वो गैंगटिक डॉल्फिन को, जो बोथ रिवराइन एंड ओशियन दोनों हैं, उसको जो है सेव करेंगे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के यूज़ से, क्योंकि ये एंटी पोचिंग एक्टिविटी हो रही है, इनका बहुत तेज़ी से शिकार हो रहा है। गैंगटिक रिवर डॉल्फिन के बारे में देख लीजिए। पहली बात मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो ये IUCN की लिस्ट होती है उसमें तीन याद रखिएगा, एक इंडेंजर, एक वनरेबल, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए। एक होता है वनरेबल, इधर आएंगे तो इंडेंजर, और इधर आएंगे तो क्रिटिकली इंडेंजर, ठीक है। इसके बाद इधर लिस्ट वर्रेबल, इधर इस्टिंक्ट करके आएगा विलुप्त टाइप का, तो ये तीन ही की तरफ में रोटेट होती है। तो जो हमारी डॉल्फिन है वो इनडेंजर है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक लाइन होती है, ठीक है, इस लाइन के जो इधर है जो वर्रेबल साइड होती है वो साइट के अपेंडिक्स 2 में पाई जाती हैं, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में पाई जाती है। याद रखिएगा, जो इंडेंजर के इधर है, जो वर्रेबल चीज़ें हैं, जैसे फिशिंग कैट हो गया, वो आपके साई अपेंडिक्स 2 में भी होगी और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 2 में होगी। लेकिन जो इंडेंजर या क्रिटिकली इंडेंजर होंगी, जो इधर होंगी, वो साइट 1 में आ जाएंगी और वाइल्ड लाइफ जो है शेड्यूल 1 में आ जाएंगी। याद रखिएगा, वनरेबल से उधर लिस्ट वर्रेबल की तरफ जो होंगी, जो पाई जा रही हैं, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो हमेशा शेड्यूल अपेंडिक्स 2 में आएंगी साइट के, और शेड्यूल 2 में आएंगी। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें वही आते हैं, अगर क्वेश्चन आता है कभी कि साइट 2 या अपेंडिक्स 2 में जो है, शेड्यूल 2 या अपेंडिक्स 2 में कौन से जानवर होते हैं, तो इतना याद रखिएगा, वो जो ठीक ठाक हैं लेकिन विलुप्त हो रहे हैं, उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन अगर अपेंडिक्स 1 आ जाए साइट का, तो समझ लीजिए कि ये इंडेंजर या क्रिटिकली इंडेंजर या एक्सटिंक्ट की साइट है लेफ्ट साइड में, इसीलिए जो है इसको अपेंडिक्स 2 में साइट की इसमें रखा जाता है। तो जो रिवर, आइए हम देख लेते हैं अब गंगा रिवर डॉल्फिन को, ये गंगा, मेघना, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, सब जगह पाई जाती हैं, ठीक है, केवल इंडिया में ही नहीं पाई जाती हैं। गंगा रिवर डॉल्फिन है तो इसलिए मैं सोचिएगा केवल गंगा में पाई जाती हैं, ब्रह्मपुत्र में पाई जाती हैं, ठीक है।
और ये इंडेंजर है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल वन में है और अपेंडिक्स वन में है, मतलब इसको ज़्यादा प्रिजर्व करने की ज़रूरत है, ये बहुत तेज़ी से विलुप्त हो रही हैं। ठीक है, अब आइए हम जाते हैं प्रोजेक्ट लायन पे। ठीक है, देखिए प्रोजेक्ट लायन भी यहाँ देख लीजिए, जो मैंने ट्रिक बताया है IUCN में, जहाँ इंडेंजर हुआ वनरेबल, तक याद रखिएगा वनरेबल होगा तो शेड्यूल टू होगा और अपेंडिक्स टू होगा, लेकिन जो ही इंडेंजर या क्रिटिकली इंडेंजर होगा ये शेड्यूल वन हो जाएगा और अपेंडिक्स वन हो जाएगा। तो ये भी एशियाटिक जो लायन है वो इंडेंजर इस IUCN के स्टेटस में है और शेड्यूल वन में है और अपेंडिक्स वन में है, और दे आर कन्फाइंड टू ओनली गिर नेशनल पार्क तक है और उसके आसपास और गुजरात के सौराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट में ही पाए जाते हैं। याद रखिएगा एशियाटिक लायन केवल और केवल इंडिया में पाए जाते हैं। प्रोजेक्ट इज एम टू कंजर्व इंडिया एशियाटिक लायन। ठीक है, केवल इंडिया के एशियाटिक लायन को प्रिजर्व करने के लिए है, फोकस किया जाएगा उनके हैबिटेट को डेवलप करने के लिए, टेक्नोलॉजी को इंगेज किया जाएगा कि लायन का कैसे मैनेजमेंट हो सके, इस सब के लिए जो है प्रोजेक्ट लायन जो है मोदी जी ने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो बस ये हम अभी जो है डिस्कस कर लिए, प्रोजेक्ट लायन एंड प्रोजेक्ट डॉल्फिन। थैंक यू।